कोरोना की पांचवी लहर से मजीद 50 अफराद जान से गए, अब तक 29,601 अम्बात, 24 घंटे में 4,253 नए मरीज, 14,70,161 शहरी मुतासर, मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड। फैसल वावडा नाहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। दोहरी शरीयत का केस 22 माह से ज्यादा अरसे तक जेरे समात रहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा जल्द निपटाने का हुक्म दिया था। भारत में अकलियतों का सांस लेना भी मुहाल, बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग की कॉलेजों में गुंडा करती, बाहिजाब तालिबात को हरासा करने की कोशिश, न डर मुसलमान तलबा ने नाराय तकबीर बुलंद कर दिया, हजाब शनाख्त है, एहतजाज जारी रहेगा, मुस्कान। हिंदू लड़की ने बाहिजाब मुस्कान के हक में आवाज बुलंद कर दी, खुद को हिंदू कहते हुए शर्माती है, अपने ही लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी, वीडियो बयान वायरल, मोदी हुकूमत को भी खूब आईना दिखाया। मोदी के भारत में खौफनाक सूरत हाल, हिंदुस्तानी मुआशरा गैर मुस्तहकम क्यादत में तेजी से जवाल पजीर है, हिजाब पहनना किसी भी लिबास की तरह जाती पसंद, जिसके इंतखाब में आजादी होनी चाहिए, फवाद चौधरी। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का आगाज, वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर आज फैसलाबाद जाने का प्रोग्राम, सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शिरकत शेड्यूल, इमरान खान मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर कोई दो राय नहीं, हुकूमत को मजीद वक्त देना जुल्म होगा, तब्दीली सरकार की रुखसती के लिए तमाम आईनी ऑप्शन जेरे गौर हैं, जो भी होगा मुशावरत से होगा, शहबाज शरीफ का ऐलान, एमक्यूएम के वफ की लीग सदर से मुलाकात। एमकेएम वफ्द का इमरान खान पर खुलकर अदम एतमाद, हुकूमत ने अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जब मुश्किल में होते हैं तो वास्ते देते हैं फिर आंखें फेर लेते हैं, अगर ओपोजिशन घर भेजने में संजीदा है तो हम भी कॉल कर सकते हैं। वफ्द की गुफ्तगु, शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार, दरख्वास्त गुजार के इस्तदा आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम, अदालत सिर्फ आइन के आर्टिकल 199 के तहत हिदायत जारी कर सकती है, लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद में पुलिस ने डाकू समझकर तलबा पर फायरिंग कर दी, 18 साल नौजवान जख्मी, 4 अहलकार जेर हिरासत, गलती का एतराफ, माफिया भी मांगते रहे, बेटा ट्यूशन के बाद घर वापस आ रहा था, गोली पांव पर लगी, वालिद की गुफ्तगू। भारत में कोरोना की सूरतेहाल बदस्तूर संगीन, एक ही रोज में 1,230 अफराद जान से गए, 24 घंटे के दौरान मजीद 69,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक, मरने वालों की तादाद 5,05,000 से बढ़ गई। PSL 7 के अगले मरहले का कल से आगाज, कराची के बाद टीमों ने लाहौर में डेरे डाल लिए, कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, शायकीन मैचेस देखने के लिए बेकरार।